क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द डायग्राम शोज द सेल साइकिल यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें सेल साइकिल दिखाई गई है ड्यूरिंग विच फेज़ टू क्रोमोजोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल तो यहाँ पर कौन सी फेज़ ऐसा है जिसमें क्रोमोजोम क्या है कंडेंस हो रहे हैं एंड विजिबल हो रहे हैं तो हमें पता है कि जो क्रोमोजोम कंडेंसेशन होगा वो यहाँ पर प्रो फेज में नज़र आएगा दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम फेज यानी माइटोसिस अगर हम इस पूरे पाईचार्ट को स्टडी करें तो ये यहाँ पर ए वाला पार्ट इज़ जीवन फेज इंटरफेज की फर्स्ट स्टेज एस फेज दैट इज़ इंटरफेज का सेकेंड स्टेज दिस इज जी टू एंड ये जो डी वाला पार्ट है दिस डी पार्ट इज केरियोकाइनेसिस क्योंकि उसके बाद क्या गिवन है साइटोकाइनेसिस तो डी क्या हो जाएगा केरियोकाइनेसिस केरियो काइनेसिस एंड केरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस मिलके एम फेस बनाएंगे एंड प्रोफेस किसका पार्ट है डेफिनेटली केरियोकाइनेसिस का तो यहाँ पर जो डायग्राम है सेल साइकिल का इसमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो रहा है और वो विजिबल हो रहे हैं वो किस में विजिबल होंगे प्रोफेस में प्रोफेस किस में आएगा केरियोकाइनेसिस में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी